अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं कुतलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। होपफुली व्यूअर्स सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, चिल कर रहे होंगे। कुतलैन के लिए हमेशा दुआ किया करें, दुआ किया करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं और आपकी दुआओं की हमेशा हमें ज़रूरत होती है। सो व्यूअर्स, आज का मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और टॉपिक ये है, आज मैं आपको विजिट करवाऊँगी 0 पॉइंट से लेकर और चक्री रोड का जो इंटरचेंज है वहाँ तक का एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है वो बताऊँगी। उसके बाद क्योंकि आज मैं डिफरेंट थोड़ा करने जा रही हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तंग हैं कि ये 0 पॉइंट से जाती है और डायरेक्ट सोसाइटी में पहुँच जाती है, फिर 70 किलो, 80 किलो, 82 किलो रास्ता बताती है। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के आ रहे होते हैं कि आप मीटर दिखाती नहीं है, या आप मीटर दिखाती हैं, आप यहाँ से 10 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 30, डिफरेंट मतलब लोगों के आ रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट है, काफ़ी सारे लोग एग्रीड हैं। गूगल मैप पर आप डिस्टेंस डालते हैं तो वो डिफरेंट आपको शॉर्टकट दिखा रहा होता है, इवन के वहाँ से रास्ता जा नहीं रहा होता। लेकिन आज मैं आपको 0 पॉइंट से लेके जाऊंगी चक्री रोड इंटरचेंज तक, और रास्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्पॉट्स हैं वो भी दिखाती जाऊंगी। और मैं प्रॉपर आज आपको ना एग्जैक्टली नो मतलब वो कहते हैं ना कट शट करे बगैर, एडिट किए बगैर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि कितना एग्जैक्टली डिस्टेंस है, ताकि काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। और आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। आज दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग तंग करते हैं, खासतौर पर डीलर हजरात। आप तो समझदार हैं, लेकिन डीलर हजरात को वो फाइलें भेजना मुश्किल हो जाता है ना, जब इतना लंबा डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन चलते हैं, होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये है व्यूअर 0 पॉइंट इस्लामाबाद, ठीक है। और आज मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं आज लेके आई हूँ मेहरान अपनी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि इसमें मीटर आप रीसेट नहीं कर सकते, हुंडा में आप मीटर भी रीसेट कर सकते हैं। तो आज मेहरान में जाके विज़िट करेंगे। ये अभी मीटर रीडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, 641066 है, ठीक है। और जब हम चक्री इंटरचेंज पर पहुँचेंगे तब भी आपको मीटर रीडिंग दिखाऊंगी, और रास्ते में भी जितने इंपॉर्टेंट जो स्पॉट्स आते हैं वो भी दिखाऊंगी, जो कि फेमस हैं, जिन लोगों को लोग यूज़ करके आपको शॉर्ट डिस्टेंस बताते हैं। तो ये जी 0 पॉइंट से अब हम चलेंगे और आगे जाके देखेंगे जी कि एग्जैक्टली चक्री रोड का डिस्टेंस कितना है। सो व्यूअर्स, ये पेशावर मोड़ तक 2 किलोमीटर हो गया तकरीबन। और आपको मैं बताऊं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे पेशावर मोड़ के आप बहुत फेमस जो कि संडे बाज़ार है वो है, और यहीं से IGP जो कि रावलपिंडी साइड पे भी रास्ता जाता है। ये पहला सिग्नल है जो कि G9 का है, और 0 पॉइंट से यहाँ तक का जो तकरीबन डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर बनता है। व्यूअर्स, 0 पॉइंट से हम स्ट्रेट कश्मीर हाईवे से आ रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे हमारे मेट्रो ट्रैक है। तो आज हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं 0 पॉइंट से चक्री इंटरचेंज तक का एग्जैक्टली, तो सारे स्पॉट्स वगैरह हम आपको बताते जा रहे हैं। तो हम यहाँ से जो कि श्रीनगर हाईवे से स्ट्रेट जाएंगे M2 जो कि मोटरवे टूल प्लाजा है, लाहौर साइड जो जाता है वहाँ तक। सो व्यूअर्स, ये सेकेंड सिग्नल आ चुका है जो कि राइट साइड पर हमारे हाई कोर्ट है, और मैं आपको बताते चलूँ यहाँ तक तकरीबन 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है 0 पॉइंट से। और ये सेकंड जो सिग्नल था ये G10 मरकज़ का था, जो कि G10 मरकज़ को जाता है। ये हमारा जी थर्ड सिग्नल आ चुका है जो कि पुलिस लाइन और IGP पे ये रास्ता जाता है, और यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, और यहाँ का जो डिस्टेंस बन गया तकरीबन 7 किलोमीटर। व्यूअर्स, 0 पॉइंट से हम फोर सिग्नल जो है आता है G11 का लास्ट सिग्नल है, ये राइट साइड पे आपके बहुत फेमस जो कि G11 भी है, और उसके अलावा जो गोल्डा शरीफ जो है जिसे कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नर्स यूनिवर्सिटी आती है। हम लोग जी जा रहे हैं चक्री इंटरचेंज तक, और श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे जिसे ओल्ड जिसका नेम था, उससे ट्रैवल कर रहे हैं अभी। अगर श्रीनगर हाईवे की बात करूं तो ये बहुत ही वाइड रोड, बहुत ही अच्छा खुला रोड है, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना शुरू हो गई है। होपफुली रिंग रोड बन जाएगा तो इसकी जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। H13 लेफ़्ट साइड पे बहुत ही PSO का फेमस पेट्रोल पंप है, मैकडोनल्ड्स है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस बन चुका हुआ है तकरीबन 10 किलोमीटर। राइट साइड पे आपके जो आता है G13,
जी हम आ रहे हैं श्रीनगर हाईवे से लेफ्ट साइड पे आईजीपी रोड पे रास्ता जाता है, राइट साइड पे जो कि H14 आता है, और सामने ये तीन फेमस हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, स्टार मार्केटिंग, J7 और पार्क व्यू, तीनों के बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान में से आउटसाइड जो लोग हैं तो उनको ये मैं बताती चलूँ कि इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाता है जी पाकिस्तान में ब्रांड्स को, फॉर मतलब ब्रांड एक्टिवेशन जिसे कहते हैं। पहुंच चुके हैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तकरीबन 14 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएंगे जीटी रोड पे आपको सदर साइड पे ले जाएगा रास्ता, राइट साइड पे आप जाएंगे तो फेमस सोसाइटीज़ हैं जो कि जीटी रोड से होते हुए B17 फैसल हिल्स जाएगा, और अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये एयरपोर्ट को भी जाता है, और लेफ्ट साइड पर आप टर्न करेंगे तो M2 लाहौर साइड पर जाएगा जो कि मोटर वे में जाके कनेक्ट हो जाता है जब श्रीनगर हाईवे एंड होता है। बिकॉज अब हमारा जो डिस्टेंस बन चुका है तकरीबन 20 किलोमीटर बन चुका है जीरो पॉइंट से, और लेफ्ट साइड पे हमारे जो 18 बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है हाउसिंग प्रोजेक्ट, राइट साइड पे हमारे G17 जो कि सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आती है। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया है 20 किलोमीटर बन चुका है। विवर्स 18 वाले कहते हैं कि जी उनका जो नेम है वो 18 इसलिए कि जीरो पॉइंट से जो कि उसके सोसाइटी का डिस्टेंस बनता है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन आज मैं गारंटी करती हूँ कि यहाँ जीरो पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, क्योंकि मैंने आज एग्जैक्टली मेजर किया है। श्रीनगर हाईवे पे 22 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जी राइट साइड पे हम लेफ्ट साइड पे मुड़े तो यहाँ पे हम M2 लाहौर मोटरवे पे एंटर हो जाएंगे। राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो टॉप सिटी मुमताज़ सिटी और हमारा न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है। तो हम यहाँ से जी जा रहे हैं चक्री इंटरचेंज तक, तो यहाँ से हम क्योंकि M2 लाहौर मोटरवे को चूज़ करेंगे, इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे। तो व्यूअर्स ये M2 टोल प्लाजा आ गया है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस बना है 23 किलोमीटर बना है। लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटी टाउन है और राइट साइड पे टॉप सिटी है, तो यहाँ तक का ही जो डिस्टेंस है आपका 23 किलोमीटर बन जाता है, जबकि आप अभी भी इस्लामाबाद के अंदर ही हैं समझें, तो 23 किलोमीटर तक सिर्फ यहाँ तक का रास्ता बनता है। ये जी हम अब मोटरवे पे रवा दवा हैं, और यहाँ पे कुर्तबा सिटी का बिलबोर्ड लगा हुआ है, एडवर्टाइजिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी का लगा हुआ है, और खूबसूरत खूबसूरत बस सर्विसेज जितनी भी ब्रांड्स की खड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये भी मज़े की लगती है मुझे बहुत। छलिया इंटरचेंज तक जो 0.5 से डिस्टेंस बनता है तकरीबन 30 किलोमीटर, और जो कि M2 टोल प्लाजा से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो तकरीबन 6 किलोमीटर है छलिया इंटरचेंज तक। फिवर्स ये कटी पहाड़ी जिसे कहते हैं बहुत फेमस है ये भी, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 0.5 से वो बनता है जी तकरीबन 34 किलोमीटर, और जो कि M2 टोल प्लाजा से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है 11 किलोमीटर, और एयरपोर्ट से अगर इसको मेयर करें तो मेरे हाथ से 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा बनता है। तो लोग यहाँ कहते हैं जी एयरपोर्ट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कटी पहाड़ी तक वो 10 किलोमीटर है, तो ये तो टोल प्लाजा से सिर्फ यहाँ तक का 11 किलोमीटर बन रहा है। व्यूअर्स अब मैं जो खड़ी हूँ मेरे यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ये कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि बहुत ही एक फेमस कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी लैंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बात करूँ 0.5 से यहाँ तक के इसके डिस्टेंस की जहाँ से इनकी हदूद स्टार्ट होती है तो तकरीबन 39 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि एक भाई साहब हैं बहुत फेमस यूट्यूबर है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, वो कहते हैं जी कि 30 किलोमीटर के बाद 0.5 से जो कि इंटरचेंज बन रहा है और डिफरेंट आर्ट के लोकेशन आपको दिखा रहे होते हैं यहाँ पे कटी पहाड़ी कभी क्या वो दिखा रहे होते हैं और 30 किलो बता रहे होते हैं। तो उनको मेरा ये चैलेंज है कि वो आके साबित करें कि 30 किलो कैसे बन रहा है यहाँ 0.5 से यहाँ तक का डिस्टेंस है जबकि 39 किलोमीटर है। और M2 लाहौर टोल प्लाजा से यहाँ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो हदूद स्टार्ट होती है यहाँ का तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 16 किलोमीटर है, ठीक है 16 किलोमीटर है। और एक और भाई साहब है बहुत फेमस यूट्यूबर जो कि कह रहे होते हैं कि एयरपोर्ट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कैपिटल स्मार्ट सिटी की जहाँ से हदूद स्टार्ट होती है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। तो 16 किलोमीटर तो टोल प्लाजा से है, तो एयरपोर्ट से तो मज़ीद 5-7 किलोमीटर आगे एयरपोर्ट है तो उससे तो ज़्यादा हो गया ना। तो ये लोग हैं जो आपको 5-5, 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमेशा एयरपोर्ट से बता के, और एयरपोर्ट को ऐसा पॉइंट बनाया हुआ इन्होंने जैसे कि वो कोई सेंट्रल पॉइंट है 0.5 का ना। तो
अब हर कोई एयरपोर्ट पे तो नहीं रहता, जो एयरपोर्ट रोज़ किसी ने फ्लाइट करा के एयरपोर्ट आना है और डिस्टेंस शॉर्ट करके अब सोसाइटी में आना है, तो यहाँ से लोगों की बातों में ना आया करें। व्यूअर्स, ये जो डीलर हजरात हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल बना के और दूसरों को बुरा भला कह के आपको डिफरेंट तरह से आपको रास्ते बता रहे होते हैं शॉर्टकट करके ताकि उनकी फाइल सेल हो जाएँ, तो आप लोग ख़ुद भी मैयर कर सकते हैं। आज मैं आपको देखें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ डिस्टेंस जो कि ओवरऑल सोसाइटीज़ का है या जो कि अभी हम आगे भी जा रहे हैं चक्री इंटरचेंज तक, देखते हैं जी कि कितना डिस्टेंस बता है। यहाँ तक जो बन गया जी 0.39 किलोमीटर। व्यूअर्स, 0.0 से चक्री इंटरचेंज तक हम डिस्टेंस जो कि है मैयर कर चुके हैं और ये जी इस टाइम में चक्री इंटरचेंज के ऊपर जहाँ से टर्न लेते हैं लेफ्ट वहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ तक का जो डिस्टेंस बना है 0.0 से वो 59 किलोमीटर है। जब मैं स्टार्ट किया था मीटर तब से लेके और पूरा वन बाय वन करके मैंने आपको इसके फेमस स्पॉट्स दिखाए, सारे आपको जो डिस्टेंस हैं वो मैयर करवाया है जो कि चक्री इंटरचेंज तक। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस बना है 59 किलोमीटर बना है। तो ये आज की वीडियो थी, जो लोग आपको चक्री इंटरचेंज का रास्ता बता रहे होते हैं एयरपोर्ट से और 0.0 से, तो उनकी वीडियोस भी देखें, हमारी भी देखें और ये आप लोगों के लिए वीडियो जो बनाई है होपफुली ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं हमेशा 0.0 से डिस्टेंस मेयर करती हूँ और डिटेल से आपको बता रही हूँ, फिर भी काफ़ी सारे जो डीलर हजार हैं वो आके आपको गलत गाइड कर रहे होते हैं और हमारे बारे में काफ़ी सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो कि ये आप देख सकते हैं चक्री इंटरचेंज। तो खैर, क्या बार बार कहेंगे कि लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बस मुझे गुस्सा इस बात का आता है जब आप भी एक अच्छी सच्ची बात करके भी आप सेल कर सकते हो तो ज़रूरत क्या है झूठ बोलने की। तो अभी ये जी मैं जा रही हूँ चक्री इंटरचेंज से लेफ्ट होके जो कि यहाँ से आगे सोसाइटीज़ आती हैं, तो अगर मैं आपको बताती चलूँ ये जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की ब्रांडिंग भी हुई है, तो यहाँ ब्लू वर्ल्ड का जो डिस्टेंस बनता है मवीदा उसके सामने अब्दुल्ला सिटी भी, तो यहाँ से भी तकरीबन 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 0.72 किलोमीटर तकरीबन जो कि मवीदा अब्दुल्ला सिटी और जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का डिस्टेंस बनता है, और इसी तरह जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ से जो उसका डिस्टेंस है तकरीबन 32 किलोमीटर है, तो 82 किलोमीटर इस तरह से डिस्टेंस बनता है। यहाँ तक का हो गया जिस तकरीबन 59 किलोमीटर और फिर उसके बाद आ जाता है 32 किलोमीटर आगे, तो इस तरह से 82 किलोमीटर बनता है। जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी 82 किलोमीटर कैसे है, सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे बताइएगा कि कहाँ तक हम सच हैं और कहाँ तक बाकी ही लोग आपको गाइड करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर तो लाएंगे, तो इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।